तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है हिप जॉइंट। और ये हिप जॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिवर्सिटी का। ओमेली इसके अंदर क्या करते हैं, वो आपका 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आज अपन पूरा इसका कंसेप्ट समझेंगे कि हिप जॉइंट जो है कौन से टाइप का जॉइंट है, कौन कौन से उसके आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है, देन लिगामेंट, फिर इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, तो सब अपन हिप जॉइंट में देखेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है और कौन सा डायग्राम बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली अपन को लिख के तो यूनिवर्सिटी एग्जाम ही लाना है। और मैं तुम्हें क्या मेरे नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि जब मैंने BDC में देखा ना तो इसे तो बहुत ज़्यादा BDC में क्या बहुत लेंदी लिखा है, तो क्या बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। उसमें क्या लिगामेंट ही एक एक दो दो पेज क्या लिखा हुआ है, तो मैंने तुम्हारे लिए क्या बिल्कुल सारे मेन पॉइंट्स और लाइन लिख के दे दिए हैं, ताकि तुम बिल्कुल ईजिली इस वीडियो को देखो, सारे कंसेप्ट समझो और यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट इसको लिख के आ जाओ। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हिप जॉइंट के टाइप्स से। तो अपन जानते हैं हिप जॉइंट का टाइप क्या है। ये आपका बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, जो कि वैरायटी होती है आपकी सैनुअल जॉइंट की। ये नॉर्मल कंसेप्ट है जो अपन को पता है। देन फिर अपन देखते हैं इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो हिप जॉइंट जो है ये कौन कौन बनाता है, ये आपका ये फीमर बोन है, उसका हेड है, तो हेड ऑफ फीमर बोन विद एसेटाबुलम। तो इसकी आर्टिकुलेटिंग सर्फेस कौन बनाता है अपन को पता है, एक हेड ऑफ फीमर बोन देन विद एसेटाबुलम। ये जो पेल्विक गर्डल है उसके अंदर एसेटाबुलम रहता है ना, तो आपका हेड ऑफ फीमर बोन एसेटाबुलम ये दोनों आपके मिलके बना लेते हैं हिप जॉइंट। अगर मैं आपको इसमें समझाऊं ये क्या है, ये है मेरा हेड ऑफ फीमर और ये है एसेटाबुलम, तो ये क्या है, ये बॉल है और ये सॉकेट टाइप का है, तो इसमें जो है ये फिट हो जाता है आपका हिप जॉइंट और बना लेता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अभी जो हिप जॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। अब वो यूनिक क्यों है, क्योंकि ये जो है अपनी बॉडी के अंदर हाई स्टेबिलिटी भी है इसके अंदर, एज वेल एज इसके अंदर जो है अच्छी मोबिलिटी भी है। अगर मैं इसको समझाऊँ कि अपन ने अपर लिम, अपन ने देखा था शोल्डर जॉइंट, आपको वीडियो लिंक आई बटन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा तो। तो अपन ने अपर लिम में क्या देखा था कि जो शोल्डर जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, लेकिन वो मूवेबल बहुत था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये स्टेबल भी है और इसकी मोबिलिटी भी बहुत होती है। तो इस तरीके से जो हिप जॉइंट है बहुत ही यूनिक है। और मेन इसका मैं रीज़न बताता हूँ उसकी स्टेबिलिटी का, एक्चुअली जो एसेटाबुलम है, जो एसेटाबुलम है वो बहुत डेप्थ होती है। अगर मैं दिखाऊँ एसेटाबुलम है तो सही है, डेप्थ बहुत होती है, तो जब हेड ऑफ फीमर्स के अंदर आके जुड़ जाता है तो क्या वो जल्दी से डिसलोकेट नहीं होता। भाई अपन ने शोल्डर जॉइंट में क्या बोला बोला था, शोल्डर जॉइंट किससे बनता है, आपका बनता है ह्यूमरस बोन से, और उसमें आपका एक रहता है ग्लेनल कैविटी, जो ग्लेनल कैविटी जो थी वहाँ पर शैलो थी, उससे क्या होता था वो आसानी से निकल जाता था हेड ऑफ ह्यूमरस। लेकिन यहाँ पे मेन कारण यही है कि एसेटाबुलम बहुत ज़्यादा डेप्थ है, इसके अंदर क्या है कि हाई स्टेबल है। तो इसकी सबसे मेन रीज़न क्या होगा स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन डेप्थ ऑफ एसेटाबुलम। उसके अलावा ये जो अपन देखें, अब यहाँ पे क्या जो मसल हैं, कुछ मसल रहते हैं जिनका ओरिजन जो है ये आपकी पेल्विस बोन से होगा, देन उसका इंसर्शन जो है ये फीमर बोन पे होगा, तो उसके टेंडन इस तरीके से उसको चारों तरफ से कवर कर लेती हैं, तो वो भी उसको आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा कुछ लिगामेंट रहते हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे, वो लिगामेंट भी क्या है आपको स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करते हैं। और इसका एक और रीज़न है कि जो नेक है, जो फीमर बोन का जो नेक है उसकी लेंथ बहुत रहती है। अगर तुम यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है हेड ऑफ फीमर बोन, देन ये है आपका नेक ऑफ फीमर बोन, और ये है इसका शाफ्ट। तो उसका जो नेक है ये उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद अब अपन इसके देखते हैं लिगामेंट्स। तो उसको लिगामेंट जो है, अभी मैं आपको सारे लिगामेंट्स के नाम बता देता हूँ, देन फिर अपन जो है अपने 3D एनाटॉमी ऐप से देखेंगे तो क्या होगा, तुम्हें पूरा इजीली इमेजिन हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको अगर तुम उसको ना डायरेक्ट रट नहीं सकते, इसकी जो लिगामेंट की जो मैं अटैचमेंट बताऊंगा वो तुम रट नहीं पाओगे, तो उसको क्या जितना इमेजिन कर सकते हो ना तो उतना इमेजिन कर लेना, क्योंकि एनाटॉमी को मेनली पढ़ने का तरीका यही होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिन करके पढ़ो बजाय रटने के। तो लिगामेंट में सबसे पहला लिगामेंट जो होता है वो कौन सा है, फाइबरस कैप्सूल। अब मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ सैनुअल जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि उसके अंदर एक कैप्सूल होता है फाइब्रस, उसके अंदर भरा रहता है सैनुअल फ्लूइड। अभी जो 3 डायग्राम जो हैं ये सारे के सारे आपके लिगामेंट के ही डायग्राम हैं, लेकिन इसके अंदर फाइब्रस कैप्सूल जो है आपको शो नहीं कर रहा, क्योंकि फाइब्रस कैप्सूल सबसे अंदर रहता है। तो एक आपका लिगामेंट होता है फाइब्रस कैप्सूल, देन इंटीरियर में ये आपका इंटीरियर सरफेस है, तो इंटीरियर साइड में 2 लिगामेंट रहते हैं, एक है इल्योफीमर और एक है प्यूबोफीमर लिगामेंट। अब इसका जो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जो इल्योफीमर लिगामेंट है
उसका अटैचमेंट कहाँ से होगा? अब जो इल्यू फीमर का अपन अटैचमेंट देखें तो एक आपका इलियम बोन से होगा, मतलब इसका नाम ही इसके अटैचमेंट दिखा रहा है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन तुम्हें होगा नहीं। मतलब इलियो फीमर तो अपर कहाँ से जुड़ रहा है? इलियम से। देन फीमर मतलब नीचे आगे फीमर से जुड़ रहा है। सेम यहाँ पे दूसरा कौन सा लिगामेंट है? प्यूबो फीमोरल लिगामेंट। अब ये नीचे साइड कौन सा रहता है? ये प्यूबिस बोन। तो ये सबसे पहले प्यूबिस बोन से जुड़ा है, देन आपकी फीमर जोन बोन से अटैच है। उसके बाद अपन आते हैं पोस्टेरियर पे। देन पोस्टेरियर में सिर्फ एक ही लिगामेंट होता है, वो है इशियो फीमोरल लिगामेंट। अब नाम से समझ में आ रहा है ये आपके एचएम से जुड़ी है और फिर फीमोरल पे जुड़ा हुआ है। तो ये आपका होता है इशियो फीमोरल लिगामेंट। देन आपका होता है लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। तो इसके लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ। तो आपको हेड ऑफ फीमर पे एक लिगामेंट दिख रहा होगा, ये वाला, इसको ब्लू से जो हाईलाइटेड है उसको क्या अपन बोलते हैं? लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, क्योंकि हेड ऑफ फीमर पे अटैच है तो इसलिए अपन बोलते हैं लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। देन ये जो एसेटाबुलम कैविटी है उसके चारों तरफ, मतलब एसेटाबुलम कैविटी सर्कल है, देन सर्कल के जो पूरे मार्जिन पे एक कार्टिलेज रिम हो जाती है, मतलब कार्टिलेज की एक रिम टाइप की वो बना लेती है, उसको अपन बोलते हैं एसेटाबुलम लेब्रम। ये भी एक कार्टिलेज है। अब लेब्रम का मतलब होता है लैटिन में लेब, तो एसेटाबुलम का एक लिब बना रहा है, उसको बोलते हैं एसेटाबुलम लेब्रम। उसके अलावा एक होता है ट्रांसवर्स एसेटाबुलर लिगामेंट। तो कुल मिला के ये सारे आपको लिगामेंट याद करने हैं, और उसको जब हम 3D में देख लेते हैं तो आराम से याद हो जाते हैं। लेकिन इसकी मैं आपको जिंगल और देता हूँ याद करने के लिए। तो आप किस तरीके से बोलना? I2P हेड एच। तो उसकी याद करने की जिंगल क्या है? I2P हेड एच, मतलब हेड एच सर में दर्द हो रहा है। अब इसका जो टू आई टू, मतलब एक आई से आप बोलना इलियो फीमोरल लिगामेंट, एक आई से हो जाएगा इच्चो फीमोरल, मतलब फीमोरल तो है, बाकी तो ये क्या है, ये दोनों आपके बोन के नाम है, तो आपको आसानी से ये क्या है याद आ जाएंगे अगर तुम इस जिंगल से करोगे। एक आई से हो जाएगा इलियो फीमोरल, देन दूसरे से इच्चो फीमोरल, देन पी से कर देना प्यूबो फीमोरल। अपने पेल्विक कर्डल के जो तीनों पार्ट्स होते हैं उनको ले लेना और उसमें कुछ मत करना, फीमोरल फीमोरल जोड़ देना। तो एक है इलियो फीमोरल, एक इच्चो फीमोरल और एक प्यूबो फीमोरल। उसके बाद हेड्स क्या करना? लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, देन एच से कर देना एसेटाबुलम लेब्रम। तो इस जिंगल से आपको सारे लिगामेंट याद हो जाएंगे। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, आपको एक बार 3D में सारे लिगामेंट के अटैचमेंट और दिखा देता हूँ। ये है अपना 3D मॉडल ऑफ अपना हिप ज्वाइंट का। तो इस हिप ज्वाइंट में अपन इंटीरियर सरफेस पर आते हैं। तो अपन ने को क्या देखा था, इंटीरियर सरफेस में कौन सा लिगामेंट होता है? आपको होता है इलियो फीमोरल लिगामेंट। अब ये जो लिगामेंट है अपन ने देखा था ना, इंटीरियर में दो लिगामेंट होते हैं, ये इंटीरियर साइड में अपन देख रहे हैं, एक है इलियो फीमोरल लिगामेंट, देन दूसरा आपका होता है प्यूबो फीमोरल लिगामेंट। अब जो इलियो फीमोरल लिगामेंट जो है, मैं उसको सेपरेट कर लेता हूँ, तो आप उसमें देख पा रहे होंगे इसका अटैचमेंट कहाँ से हो रहा है। सबसे पहले इसका अटैचमेंट जो है आपका इलियो फीमोरल लिगामेंट का आपका होता है, ये क्या है, ये एंटेरियर इन्फीरियर इलियम है, मतलब इलियम बोन पे, एंटेरियर इन्फीरियर पे हो रहा है इसका अटैचमेंट। देन फिर इसका फीमर बोन पे कहाँ पे हो रहा है, ये इसको अपन कहते हैं इंटर ट्रोचेंट्रिक लाइन। इसको समझाने के लिए मैं आपको सेपरेट कर लेता हूँ ये फीमर बोन को, तो आप पूरा अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये अपने पूरा ऑस्टियोलॉजी में पढ़ के रखा है, लेकिन मैं उसको फर्दर तुम्हें एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये क्या है, ये हेड ऑफ फीमर है, देन ये नेक है, देन ये उसकी पूरी शाफ्ट है, देन फिर इसके पोस्टीरियर सरफेस पे आपको दो ट्रोचेंटर दिखते हैं, एक ग्रेटर ट्रोचेंटर और एक लेसर। देन इन दोनों के बीच में आपको क्या दिखती है, ये आपकी होती है इंटर ट्रोचेंट्रिक क्रस्ट। मतलब याद रखना इसको, तुम ऐसे याद कर लो, PC मतलब पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होता है, इंटर ट्रोचेंट्रिक क्रस्ट, ये आपका ग्रेटर और लेसर ट्रोचेंटर, उसके बीच में क्या है, इंटर ट्रोचेंट्रिक क्रस्ट, ये क्रस्ट होती है। देन इंटीरियर साइड में ये जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, इंटर ट्रोचेंट्रिक लाइन। तो ये कंसेप्ट क्या है, बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए तुम इसे याद कर लो कि पोस्टीरियर साइड में होता है इंटर ट्रोचेंट्रिक क्रस्ट, इंटीरियर में होता है इंटर ट्रोचेंट्रिक लाइन। अब इस इंटर ट्रोचेंट्रिक लाइन पे जो है आपकी क्या अटैच हो जाती है, आपकी हो जाती है इलियो फीमोरल लिगामेंट। तो मैं आपको फिर से बताऊं, अपन ने देखा इसका ओरिजिन सबसे पहले होता है इंटीरियर इन्फीरियर इलियम से, और आपका इसका जो है फीमर बोन पे इसका जाके हो जाएगा इंसर्शन, कहाँ पे, इंटर ट्रोचेंट्रिक लाइन पे। देन इसको अपन कर देते हैं हाइड, तो फिर अपन को दिखने लगेगा प्यूबो फीमोरल लिगामेंट। तो प्यूबो फीमोरल लिगामेंट जो है ये आपका कहाँ से अटैच हो रहा है, ये आपका अटैच हो रहा है सबसे पहले, इसको बोलते हैं इलियक एमिनेंस। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलियो प्यूबिक एमिनेंस।
उसको मैं आपको पिंस दिखाऊं इसमें, अगर मैं करके सेपरेट करके देनी अपन ने का पढ़ के रखा है ओसियोलॉजी में। तो ये वाला जो सरफेस जो है ये आपकी पूरी गर्डल में, ये जो वाइट पिंच मैंने अभी करा, इसको अपन बोलते हैं इलियोप्यूबिक एमिनेंस। तो इसी इलियोप्यूबिक एमिनेंस पे जो है आपका प्यूबिक फ्यूमोरल लिगामेंट अटैच होता है। अभी इसका नाम क्या है, प्यूबो फ्यूमोरल, मतलब प्यूबिस में, प्यूबिस में भी कहाँ पे, इलियोप्यूबिक एमिनेंस में, देन फीमर पे जाके ये अटैच हो जाएगा। देन फीमर पे जो है, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, एक्चुअली में ये जो है आपका प्यूबो फ्यूमोरल लिगामेंट, ये एक्चुअली में ये जो इलियो फ्यूमोरल लिगामेंट के ही लोअर बॉर्डर पर जाके अटैच हो जाता है पीछे। तो ठीक है, तो इसका ओरिजिन अपन ने देखा इलियो प्यूबिक एमिनेंस पे, देन इसका अपन ने इंसर्शन अपन ने कहाँ पे देखे, जो लिगामेंट अपन ने पढ़ा था अभी इलियो फ्यूमोरल लिगामेंट, उसकी ही लोअर बॉर्डर पे। देन अपन आ जाते हैं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर में अपन ने सिर्फ एक ही लिगामेंट देखा था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था इशियो फ्यूमोरल लिगामेंट, क्योंकि इशियम बोन से उसका हो रहा है ओरिजिन। और उसका इंसर्शन कहाँ पर हो रहा है, ये क्या है, ग्रेटर प्रोसेंटर है, तो ग्रेटर प्रोसेंटर पे इसके जाके हो जाता है इंसर्शन। और अगर तुम उसको ध्यान से देख पा रहे होंगे तो थोड़ा ट्विस्टेड टाइप का दिख रहा होगा, है ना, तो उसको अपन ट्विस्टेड लिगामेंट भी बोल देते हैं, कि साइड में जो इसका डायग्राम बना है ट्विस्टेड होके जा रहा है, तो उसको अपन ट्विस्टेड लिगामेंट भी बोल देते हैं। देन मैं इसको करता हूँ हाई, देन फिर आपको ये पूरा जो लिगामेंट दिखेगा ये वाला, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, यही आपका फाइबरस कैप्सूल, ये पूरा का पूरा सबसे इनर में रहता है फाइबरस कैप्सूल। अगर तुम्हें फाइबरस कैप्सूल देखो तो उसका अटैचमेंट कहाँ से हो रहा है, ये क्या है, इसको मैं सेपरेट करूँ, ये आपका है एसेटाबुलम, ये पूरा है, और ये क्या है, इस एसेटाबुलम की मार्जिन, तो इस एसेटाबुलम की मार्जिन पे ही ये आपका पूरा अटैच होता है आपका फाइबरस कैप्सूल। उसके बाद नीचे फीमर पे कहाँ अटैच हो रहा है, ये जो मैंने आपको बताया था ना इंटर में इंटर ट्रोसेंट्रिक लाइन, मैंने आपको बताया था ना इंटर ट्रोसेंट्रिक लाइन, उस इंटर ट्रोसेंट्रिक लाइन के जस्ट फ्रंट में ही जाके ये फाइबरस कैप्सूल अटैच हो रहा है। तो एक तो आपका एसेटाबुलम के मार्जिन पे हो गया, देन फीमर में आप देन फीमर पे इंटर ट्रोसेंट्रिक लाइन पे जाके पूरा अटैच हो गया। देन फिर मैं इसको हाइड करूँ तो आपको पूरा का पूरा क्या दिख जाएगा, हेड ऑफ फीमर जो कि अटैच हो रहा है पेल्विक गर्डल पे, और यहाँ पे जो ब्लू से जो आपको दिख रहा है यही आपका कार्टिलेजेनियस लिम, जिसको अपन बोल देते हैं एसेटाबुलम लेब्रम। फिर से मैं शो कर देता हूँ एक बार, यही आपका एसेटाबुलम लेब्रम। तो सारे के सारे अपन ने लिगामेंट देख लिए उसकी अटैचमेंट के साथ। देन अब मैं जो है आपको इसके एक बार रिलेशन भी बता देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, जो हिप जॉइंट है इसके, इसको कौन सराउंड कर रहा था, इसको सराउंड कर रही है अपनी सारी मसल, ये 3D मॉडल है, ये एक्चुअली में आपका लोअर लिम का पूरा मॉडल है। तो अपन ये देख रहे हैं इसका एंटीरियर व्यू, देन ये है पोस्टीरियर। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, कि पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि थाई के 3 मस्कुलर कंपार्टमेंट होते हैं, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट जिसके अंदर रहता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल, देन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जिसके अंदर होता है हैमस्ट्रिंग मसल, देन एक मीडियल कंपार्टमेंट जो कि होता है अडक्टर मसल का। तो अपन ने जो है लोअर लिम में 3 कंपार्टमेंट देखे थे थाई में। तो अब जो हिप जॉइंट है वो कुछ यहाँ पे रहेगा, इंटीरियर साइड में कहाँ रहेगा, ये इधर आपका रहेगा हिप जॉइंट। तो अगर तुम देखो हिप जॉइंट के फ्रंट में इंटीरियर में कौन कौन सी मसल आएगी, वही मसल आएंगी जो कि इसके इंटर कंपार्टमेंट में रहती हैं। तो इंटर कंपार्टमेंट में रहती हैं आपकी एक क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल, क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल जो है, क्वाड्रिसेप मतलब चार मसल से बनती है, वो एक होता है रेक्टस फीमोरिस, उसके अलावा एक वास्टस लेटरल, एक मीडियल और एक इंटरमीडिएट, तो चारों मसल हो गई। और ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है रिवाइज करवा रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करना है, मेरी बेसिक वाली वीडियो एक बार देख लेना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसके इंटीरियर में होता है क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल, तो इसको अगर मैं हाइड करूँ, ये क्या रेक्टस फीमोरिस, इसको मैं अगर हाइड करूँ तो आपको क्या दिखने लगेगा, ये आपको दिख रहा है, अब ये आपको थोड़ा थोड़ा हिप जॉइंट दिखने लगा होगा। तो ये हिप जॉइंट के फ्रंट में क्या था, इंटीरियर में क्वाड्रिसेप फीमोरिस, देन ये मसल है इसको बोलते हैं इलियाक्स मसल, और इसको अपन बोलते हैं स्वास मसल, इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं इलियो स्वास मसल। अभी इलियो स्वास मसल है ये भी इसके इंटीरियर में आ रहे हैं, इंटीरियर रिलेशन बना रहे हैं। देन इसको भी मैं कर देता हूँ एक बार हाइड,
सकते हैं, पूरा का पूरा अपन को हिप जॉइंट अब इंटीरियर में दिखने लगा, मतलब हिप जॉइंट के इंटीरियर रिलेशन कौन बनाता है, तीन मसल, एक रेक्टस फीमोरिस, दूसरी एक इलियोस्वास मसल, इलियाक्स मसल और एक स्वास मेजर मसल। देन फिर अपन देखते हैं सुपीरियर में, ये ऊपर से, देन आप ऊपर से देखें तो आपको क्या दिख रहा होगा, ये है ग्लूटियल रीजन। अब ये जो है थाई है, थाई का रीजन, थाई के ऊपर ये वाला जो पीछे वाला रीजन है इसको अपन बोलते हैं ग्लूटियल रीजन। तो अपन को पता है जो ग्लूटियल रीजन जो है उसमें क्या रहता है, तीन मसल रहती हैं जिसको अपन बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। तो यहाँ पे एक है इसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, देन इसको अपन बोले ग्लूटियस मीडियस, देन मीडियस के अंदर होती है मिनिमस। तो इसके सुपीरियर रिलेशन ऊपर से देखें कौन कौन बना रहा है, एक ग्लूटियस मैक्सिमस, इसको मैं कर देता हूँ हाइट, दूसरा ग्लूटियस मीडियस, इसको भी अपन करते हैं हाइट, और ये है आपका ग्लूटियस मिनिमस, सबसे छोटी है इसलिए बोल रहे हैं मिनिमस। तो मिनिमस, अब आपको हिप जॉइंट दिख रहा है, अब आपको सुपीरियर से भी दिखने लगा ना हिप जॉइंट। तो अपन ने इसके क्या देखे, सुपीरियर रिलेशन कौन कौन बना रहा है, तीनों ग्लूटियस मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी, ग्लूटियस मीडियस, देन ग्लूटियस मिनिमस। तो अपन ने इसके इंटीरियर एंड सुपीरियर रिलेशन देख लिए, देन अपन इसका देखते हैं पोस्टीरियर रिलेशन। अगर तुम देखो ये हिप जॉइंट है, अबे जो तीन मसल जो हैं ये एक्चुअली में दिख रही होंगी, ये एक, उसके बाद एक दूसरी और एक तीसरी, एक्चुअली मतलब सेकेंड वाली मसल जो है इसमें तीन मसल आ रही हैं, एक है ऑब्टूरेटस इंटरनस मसल, और उसके दोनों साइड कौन सी मसल होती हैं, वो होती हैं आपकी सुपीरियर एंड इन्फीरियर जेमेलियाए। तो अपन इसको क्या एक साथ बोलते हैं कि टेंडन ऑफ ऑब्टूरेटम इंटरनस विथ टू जेमेलियाए मसल। तो ये जो है ना बिल्कुल तुम्हें सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा कि जो पोस्टीरियर रिलेशन जो है कौन कौन बना रहा है। तो सबसे ऊपर जो है वो है पायरीफॉर्मस मसल। अभी तुम क्या है इसे बस ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें जो सारे रिलेशन जो दिखा रहा हूँ ना उसे ध्यान से सुन लो, क्योंकि क्या होगा जब मैं तुम्हें मेरे नोट्स में बताऊंगा तो तुम्हें क्या बिल्कुल इमेजिन रहेगा कि हाँ ये पोस्टीरियर रिलेशन पायरीफॉर्मस है। तो तुम क्या चीज़ को रटने की बजाय समझ रहे होंगे, तो इसलिए तुम अभी इसको क्या 3D में इमेजिन कर लो, समझ लो, देन इसको जब अपन नोट्स में भी धीरे धीरे समझेंगे ना तो तुम्हें सारी चीज़ इमेजिन होंगी। तो उसको याद करने के लिए मैं जिंगल बता देता हूँ, वो है पी, पी से आएगी पायरीफॉर्मस। देन फिर अपन ने क्या देखा, ऑब्टूरेटम इंटरनस, उसको बोल लो ओ, देन ये है आखिरी मसल, उसको बोलते हैं क्वार्टर्स ऑफ फीमोरिस मसल। तो इसकी जिंगल है पी ओ क्यों, मतलब पी, पी से पायरीफॉर्मस, ओ से ऑब्टूरेटम इंटरनस, और क्यों से क्वार्टर्स ऑफ फीमोरिस, सबके फर्स्ट फर्स्ट वर्ड ले लो तो तुम्हें सीक्वेंस याद होगा पी ओ क्यों। देन फिर अपन बात करते हैं इसका इन्फीरियर। तो अगर नीचे से तुम देखो सिर्फ एक ही मसल तुम्हें दिख रही है तो मैंने हाईलाइट करी, उसको मैं सेपरेट भी करता हूँ, ये इन्फीरियर सिर्फ एक ही मसल बना रहा है, वो है ऑब्टूरेटम इंटरनस मसल। तो इसके सारे के सारे मैंने आपको लिगामेंट दिखाए, उसके अटैचमेंट समझाई 3D मॉडल्स हैं, देन इसके मैंने तुम्हें क्या है रिलेशन भी पहले ही बता दिए, इंटीरियर, फिर देखा था सुपीरियर, फिर पोस्टीरियर और एक इन्फीरियर रिलेशन दिखा दिए कि कौन कौन सी मसल जो है इस लिगामेंट के रिलेशंस बना रही हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, फाइबरस कैप्सूल, जो मैंने आपको बताया था ना सबसे अंदर जो मैंने अभी 3D मॉडल में बताया वो था फाइबरस कैप्सूल। और फाइबरस कैप्सूल की अपन ने अटैचमेंट क्या देखी थी, हिप बोन में अपन ने देखा था ये क्या होता है, ये एसेटेबुलम लेब्रम में अटैच था। देन फीमर में अपन ने देखा था ये जो इंटर ट्रोचेंट्रिक लाइन जो है उसके फ्रंट में अटैच हो रहा था। उसके अलावा ये जो कैप्सूल है ये एक्चुअली में दो तरीके के फाइबर से बनता है, उसके अंदर दो फाइबर रहते हैं, एक आउटर में लॉन्गिट्यूडनल और एक इनर सर्कुलर। ये बस ऐसी लाइन है, ये की लाइन थी इसलिए मैंने लिख दी, तो तुम ऐसे ही याद कर लेना। उसके अलावा सारे लिगामेंट में सिर्फ अपन अटैचमेंट ही देखेंगे, उसको फर्दर डिटेल में अपन नहीं जा रहे। फिर अपन देखते हैं इलियो फीमोरल लिगामेंट जो कि इंटीरियर में है। अभी जो इलियो फीमोरल लिगामेंट जो है ये एक्चुअली में आपका इन्वर्टेड वाई शेप लिगामेंट भी उसको अपन बोलते हैं। उसके अलावा ये जो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है अपनी बॉडी का, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है कोई भी लिगामेंट नहीं है, तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है अपनी बॉडी का। देन ये जो लिगामेंट है उसका एपेक्स कहाँ पर अटैच हो रहा है, इंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, अपन ने देखा था ना इंटीरियर इन्फीरियर इलियक सर्फेस अपन ने बोला था, तो उसमें जस्ट ऊपर ये इंटीरियर इलियक सर्फेस से भी होगा, उधर एक स्पाइन टाइप का रहता है उससे भी जुड़ेगा, तो इसका एपेक्स अटैच होता है इंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन से।
देन इसका बेस मैंने आपको बताया था इंटीरियर में क्या रहता है, इंटरट्रोसेंट्रिक लाइन, तो इसका बेस आपका अटैच होता है इंटरट्रोसेंट्रिक लाइन। अब मैंने क्या तुम्हें 3D में दिखा दिया ना, तो अब जब तुम्हें सुन रहे हो तो तुम्हें क्या पूरा इमेजिन हो रहा होगा, तो इसलिए मैंने तुम्हें पहले 3D में दिखाया ताकि तुम्हें इमेजिन हो जाए, और अब मैं इसमें बता रहा हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से एंड क्वालिटी से समझ में आए, ठीक है। देन फिर अपन देखते हैं प्यूबो फ्यूमोरल लिगामेंट, ये नीचे एक ग्रीन दिख रहा है ना, ग्रीन से हाईलाइटेड, वही आपका प्यूबो फ्यूमोरल लिगामेंट। अब ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट दे रहा है आपको जॉइंट को कहाँ से, इन्फीरियरली, नीचे वाले सरफेस से। उसके अलावा ये जो है ट्रायंगुलर है इन शेप में, ठीक है। अब इस सुपीरियरली कहाँ से मैंने बताया था, प्यूबिस में भी कहाँ से, इलियो प्यूबिक एमिनेंस से। उसके अलावा इलियो प्यूबिक एमिनेंस के क्लोज में ही आपका रहता है ऑब्टरेटर क्रस्ट, तो ये आपका सुपीरियरली अटैच होता है इलियो प्यूबिक एमिनेंस पे और एक ऑब्टरेटर क्रस्ट पे। उसके अलावा इन्फीरियरली ये जो है लोअर बॉर्डर ऑफ, ये लोअर बॉर्डर है इलियो फ्यूमोरल लिगामेंट की, लोअर बॉर्डर पर अटैच हो जाता है। देन फिर अपन दूसरा पेज लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें आपका लिखा हुआ है इशो फीमोरल लिगामेंट। अभी जो इशो फीमोरल लिगामेंट जो है पोस्टीरियर का लिगामेंट है, तो इसमें पहली लाइन ये लिखी है इट कवर पोस्ट जॉइंट पोस्टीरियरली। देन फिर अपन देखेंगे ये फाइबर जो है आर ट्विस्टेड, ये फाइबर जो है ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको 3D मॉडल में भी दिखाया था। फिर एक्सटेंड कैसे करते हैं फ्रॉम इशियम टू एसेटाबुलम, इशियम बोन से लेकर मतलब इशियम बोन है और यहीं एसेटाबुलम है वहां तक एक्सटेंड करेंगे, और उसके सम फाइबर, ये जो पूरा जो था ये एक्चुअली में क्या होता है, ये ट्विस्ट हो जाता है, इसलिए सिर्फ कुछ ही फाइबर जो है आपके ग्रेटर ट्रोसेंटर जो है ना उस पे चले जाते हैं। देन लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, ये वाला ब्लू से हाईलाइटेड है, यही आपका लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। अगर तुम ध्यान से देखो तो ट्रायंगुलर है शेप में, तो यही लाइन है लिखी है कि ट्रायंगुलर इन शेप होता है। अब ट्रायंगल है तो एक होगा एपेक्स और एक होगा बेस, तो उसका एपेक्स कहाँ से अटैच है, आपका अटैच है फोबिया कैपिटालिस से। अब एक्चुअली में जब तुमने ओस्टियोलॉजी में पढ़ा होगा फीमर बोन, तो उसके हेड में एक जगह रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बीच में, उसको अपन बोलते हैं फोबिया, तो वह एक्चुअली में इसी लिगामेंट के लिए ही रहती है, तो इस फोबिया से जो है इस लिगामेंट का जो है एपेक्स अटैच हो जाता है। फिर अपन बात करें इसके बेस की, तो इसका बेस जो है तुम देख पा रहे हो कहाँ अटैच है, मार्जिन ऑफ एसेटाबुलम, तो एसेटाबुलम के मार्जिन पे अटैच हो जाता है। देन फिर अपन देखेंगे एसेटाबुलम लेब्रम, ये क्या होता है, ये होता है एक फाइब्रोकार्टिलेजियस रिम, एसेटाबुलम लेब्रम आपकी फाइब्रोकार्टिलेजियस रिम होती है जो कि अटैच होती है आपके सारे एसेटाबुलम पे। अब क्या होता है इसके देखते हैं रिलेशन, अब क्या है ये 10 नंबर पे पूछते हैं यूनिवर्सिटी में, तो इसमें क्या वो उसके आपको रिलेशन भी पूछता है कि ये जो था कि हिप जॉइंट है इसके रिलेशन आप बताओ, तो मैंने तुम्हें क्या इसको 3D में बता दिया पहले, तो उससे तुम्हें क्या इमेजिन हो गया होगा। तो उसके अलावा मैं तुम्हें ट्रिक भी बता देता हूँ, क्योंकि मेनली तुम यार को रट नहीं सकते, अपन को सिर्फ कंसेप्ट बनाना है और इसको याद करना है, रटना तो एक दिन रटोगे दो दिन रटोगे भूल जाओगे, तो इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसमें सारे लोअर लिम्ब की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ एक तो, उसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ यार यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, कैसे याद करना है और कैसे डायग्राम बनाना है, और मेरे नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ, तो तुम्हारा क्या पूरा का पूरा काम मैं बहुत ईजिली तुम्हारा यूनिवर्सिटी का काम करवा देता हूँ। तो अपन अब देखते हैं ये वाला डायग्राम, अभी जो डायग्राम है इसको तुम देख के डरो मत, सबसे पहले ये विश्राम सिंह का डायग्राम है, मैंने विश्राम सिंह से बनाया तुम्हारे लिए। उसके अलावा इसको बनाने की मैं ट्रिक बता देता हूँ, अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना, एक गोला बना देना, देख ये अब सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एसेटाबुलम पे। अब एक्चुअली में अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो 3D मॉडल को, तो ये क्या है, ये अपन लेटरल साइड से देख रहे हैं इसी डायग्राम को, अगर मैं लेटरल साइड में अगर अपन देखें तो आपको ये सर्कल पूरा इस तरीके से दिखाई देगा, तो ये अपन लेटरल साइड में देख रहे हैं, तो ये है इसका इंटीरियर पार्ट, ये है इसका पोस्टीरियर पार्ट, ये है सुपीरियर, ये है इन्फीरियर, और ये अपन ने बना लिया एसेटाबुलम। देन इसको मैं मेरे हाथ से हाइड कर देता हूँ, तो ये इसका इंटीरियर अपन पार्ट देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, इंटीरियर वाले सरफेस में क्या रहता है, थाई के इंटीरियर में क्या रहता है, बिल्कुल सही, थाई के इंटीरियर में आपका रहता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल और एक स्वास मेजर मसल, मैंने बताया था ना।
तो बस आपको ये करना है कि आपने पहले सर्कल बना लिया, देन इसके इंटीरियर में अपन ने दो मसल देखी थी, देन वो दोनों मसल बना देना। एक अपन ने देखी थी रेक्टस फिमोरिस, मतलब वो क्वाड्रिसेप फिमोरिस की एक मसल रेक्टस फिमोरिस, देन अपन ने देखी थी इलियोसॉस मसल, मतलब एक इलियाक्स मसल और एक सॉस मसल, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इलियोसॉस मसल। तो एक सर्कल बना के ये दो मसल बना देना, इरेक्टस फिमोरिस और एक इलियोसॉस मसल, उसके अलावा फिमोरल आर्टरी, वेन और नर्व तीनों बना देना। अब तुम इसके सीक्वेंस में गड़बड़ा जाऊंगा तो उसकी जिंगल मैं तुम्हें दे देता हूँ। उसकी जिंगल है VAN, जो वैन होती है ना, तो वी से आ जाएगा वेन, तो पहले बनाना वेन, फिर ए से आर्टरी, देन एन से नर्व। तो मैंने तुम्हें बिल्कुल और इजी कर दिया मामला भैया, लो VAN बस। तो तुम्हें इंटीरियर में जो है ये तीन चीज बनानी है, रेक्टस फिमोरिस, इलियोसॉस मसल और वैन, वेन आर्टरी नर्व। तो ये इसके मैंने इंटीरियर के रिलेशन बता दिए। देन फिर अपन ने क्या देखा था, सुपीरियर, तो उसमें फिर से मैं हाथ रखता हूँ, ये सुपीरियर। तो सुपीरियर में क्या था, सुपीरियर में थी आपकी ग्लूटियल सरफेस। सुपीरियर में क्या था, सुपीरियर में था आपका ग्लूटियल रीजन, और ग्लूटियल रीजन में क्या होता है, ग्लूटियल रीजन में रहती तीन ग्लूटियल मसल। तो आप बना देना एक ग्लूटियस मैक्सिमस, सबसे बड़ी है मैक्सिमस, देन मीडियस, मीडियस साइड बात बीच में ही होगी, देन मिनिमस, और ये इसके हो गए सुपीरियर रिलेशन। और अपन जानते हैं कि मैक्सिमस है वो पीछे भी आ रही है, तो उसको बड़ा बना देना पीछे की तरफ। देन फिर अपन देखते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशन। तो मैंने आपको पोस्टीरियर रिलेशन को याद करने की एक जिंगल बताई थी, याद हो आपको तो, पी ओ क्यू। अब यहाँ पीने की बात क्या, मतलब पानी वानी पी रहे हैं, है ना, उल्टी सीधी बात है, मैं सोचो पी ओ क्यू, मैं क्यों पीऊँ, ऐसी बात हो रही है। तो पी से आ रहा है पायरीफॉर्मिस है, ओ से है ऑप्टेटम इंटरनस विद दो जेमेले आई, और क्यू से आ रहा है क्वाड्रिसेप फिमोरिस मसल। तो जो जिंगल है ना अपनी पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, तो उसको एज इट इज बना देना, मतलब एक, मतलब तुम क्या करना, तीन मसल बना देना, एक पायरीफॉर्मिस, देन इसकी टेंडन सराउंडिंग बाय जेमिलियाई और एक क्वाड्रेटस फिमोरिस। तो ये इसके हो जाएंगे पोस्टीरियर रिलेशन। देन इन्फीरियर में एक ही बना देना, ऑप्टेटम एक्सटर्नस मसल। तो मैं बड़े इजीली तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया कि किस तरीके से बनाना है। बस क्या है, मेनली ट्रिक्स होती हैं यार, उसको तुम रटोगे तो नहीं होगा। अपन को पता है इंटीरियर में जो मसल थी वो इंटीरियर में बना दो, पोस्टीरियर में थी वो पोस्टीरियर में बना दो, याद करने के लिए थोड़ी सी जिंगल बना लो। मैं मेरी वीडियो देखने का तुम्हें एक यही फायदा मिलता है कि मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। मतलब मेनली तुम्हारी हार्ड वर्क करने का काम अब छोड़ दो, अब करना है स्मार्ट वर्क करना है, चीज़ों को समझो ना कि रटो, 3D मॉडल्स देखो, जिंगल्स बनाओ। तो अब अपन क्या करेंगे, जब यूनिवर्सिटी में जब ये 10 नंबर के लिए आता है ना, तो उसको यूनिवर्सिटी में रिलेशन का डायग्राम बना के आना पड़ता है। मैं भी और बता दूंगा कौन कौन से डायग्राम बनाने होते हैं। तो ये डायग्राम तो बनाना होता ही है, तो ये डायग्राम अपन ने बना दिया। देन उसके बाद जो इस डायग्राम में रिलेशन मैंने तुम्हें बताया वही एज इट इज उसकी रिलेशन लिख देना, कि इंटीरियर में तीन मसल थी, पोस्टीरियर में कितनी मसल है, सुपीरियर में कितनी है, इन्फीरियर में कितनी है। तो बस ये सारे रिलेशन तुम्हें अच्छे से याद हो जाएंगे। तो अपन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इंटीरियर में अपन ने क्या देखा था, टेंडन ऑफ इलियोसॉस मसल, उसके अलावा रेक्टस फिमोरिस मसल, तो ये देख रहे हो पिंक से, देन मसल, देन वही VAN, वेन आर्टरी और नर्व। फिर पोस्टीरियर में अपन ने क्या देखा था, पायरीफॉर्मिस मसल, देन एक नर्व और बना देना येलो से, शैटिक नर्व, पी फिर ओ से ऑप्टेटम इंटरनल विद जेमले, फिर क्यू से क्वाड्रेटस फिमोरिस मसल, उसके अलावा ग्लूटियस मैक्सिमस मसल भी एक आई रही है तो वो बना देना। देन फिर लिखना सुपीरियर, सारी सुपीरियर लिख देना, ग्लूटियस मैक्सिमस और मिनिमस और फिर एक मीडियस। फिर लिखना इन्फीरियर, इन्फीरियर में क्या होता है, एक आपको वही ऑप्टेटम एक्सटर्नल मसल, उसके अलावा एक हैमस्ट्रिंग मसल भी रहती हैं, ठीक है। देन फिर ही मैंने आपको सारे रिलेशन बड़े आराम से याद करवा दिया। फिर अपन आते हैं इसकी ब्लड सप्लाई पे। तो ब्लड सप्लाई किससे होता है, बस तीन आर्टरी से ब्लड सप्लाई होता है, ऑब्टुरेटर, फिर फीमोरल की दो सर्कमफ्लेक्स, देन दो ग्लूटियल आर्टरी। फिर अपन देखें नर्व सप्लाई, तो फीमोरल नर्व की अगर तुमने मेरी वीडियो देखी हो, अगर तुमने नहीं देखी तो लिंक आई बटन में मिल जाएगा, मैंने इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो डाली है। तो मैंने तुम्हें वहां भी बताया था कि फीमोरल नर्व जो है वो हिप जॉइंट को सप्लाई करता है, और उसकी भी कौन सी ब्रांच, थ्रो
रेक्टस फिमोरिस, मतलब जो रेक्टस फिमोरिस को जो मसल जो मतलब कि जो रेक्टस फिमोरिस मसल के लिए जो नर्व सप्लाई करती है वो आपको हिप जॉइंट को भी सप्लाई कर देती है। उसके अलावा इंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टोरेटर नर्व, ऑब्टोरेटर नर्व की जो इंटीरियर डिवीजन है वो भी कर देगी, और नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस और सुपीरियर ग्लूटियल नर्व के कुछ नाम है वो आपको याद करने पड़ेंगे आर्टेरियल नर्व्स के। देन फाइनली अपन देखते हैं मूवमेंट कि कौन कौन सी मूवमेंट करवा रही है। तो जो हिप जॉइंट है ये आपका थाई का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाएगा, देन एडक्शन एडिडक्शन और एक एबडक्शन एबीडक्शन करवा लेगा, देन मीडियल एंड लेटरल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन, मतलब कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ मूवमेंट, एक तरीके से देखा जाए तो सारी मूवमेंट ही वो आपका हिप जॉइंट कवर करवा रहा है। ये पूरा मैंने आपको हिप जॉइंट बता दिया, अब अपन इसको देखते हैं यूनिवर्सिटी में अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो किस तरीके से इसको आपको लिख के आना है। तो यूनिवर्सिटी में जो मैंने दिस सीक्वेंस में तुम्हें जो मैंने नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं उसी सीक्वेंस में आपको यूनिवर्सिटी में लिख के आना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ये सफिशियंट कंटेन है यार। क्योंकि मेन क्या है, अब उनको ऐसा नहीं क्वांटिटी क्वांटिटी भर दी, बड़े बड़े पैराग्राफ भर दिए यार, यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता, आपको सिर्फ क्वालिटी कंटेन लिखना होता है, वो भी अच्छे से सीक्वेंस से हेडिंग डाल के लिखना होता है। सबसे पहले अगर हिप जॉइंट पे आए तो आप हिप जॉइंट की एक हेडिंग डालोंगे, देन आप इसके टाइप लिख देना कि बॉल एंड सॉकेट टाइप का होता है, देन इसके आर्टिकुलेटिंग सर्फेस लिख देना, उसके बाद ये जो है लाल से है की पॉइंट, ये की पॉइंट आप लिख देना। अब की पॉइंट का कंसेप्ट ये है कि अगर आप जो टॉपिक है उस सेपरेट टॉपिक में कुछ कीवर्ड या की लाइंस होती हैं अगर वो लिखते हो तो क्या होता है, एग्जामिनर खुश हो जाता है कि नहीं इस बंदे ने क्या है डीप में पढ़ा है, तो उसको क्या ज़्यादा मार्क्स देता है। ये तीन जो है की पॉइंट लिख देना कि ये हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी मोबिलिटी शो करता है, देन वो तीनों पॉइंट क्यों करता है, देन लिगामेंट के सारे नाम लिखना, और बीडीसी में क्या लिगामेंट में बहुत फर्दर एक्सटेंडेड दिया हुआ है, मैंने तुम्हें बिल्कुल काम काम का कंटेंट बिल्कुल छांट के ले आया तुम्हारे लिए, और मैंने ये नोट्स बना दिए। तो बस सिर्फ अटैचमेंट अटैचमेंट लिखना है, फालतू में उसको ज़्यादा डीप में मत लिखना तुम। तो फाइबरस कैप्सूल, इलियो फ्यूमर लिगामेंट और प्यूबर फ्यूमर लिगामेंट, इन सब के अपन हेडिंग पहले लिगामेंट पहले हेडिंग डालना, देन सारे लिगामेंट लिख देना ये सारे लिगामेंट होते हैं, देन फिर एक एक को लेना और उनका सिर्फ अटैचमेंट अटैचमेंट लिख देना। देन पेज टू पर बनाए उसमें क्या है इच्चोफ्यूमोरल लिगामेंट, उसके अटैचमेंट लिखना, देन लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फ्यूमर, देन एसेटेबलम लेब्रम के अटैचमेंट, देन फिर जो है आप लिखना रिलेशन, देन रिलेशन में आप इसके एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इन्फीरियर इस तरीके से हेडिंग डाल के लिख देना, देन फिर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई लिखना एट द एंड, फिर एक मूवमेंट हेडिंग डाल के मूवमेंट लिख देना। तो इस तरीके से तुम्हें हेडिंग में लिख के आना है यूनिवर्सिटी में, और एक ये वाला रिलेशन का डायग्राम तो भाई बना के ही आना है, एक ये वाला रिलेशन का डायग्राम बना देना, उसके अलावा एक ये वाला ऊपर वाला डायग्राम बना देना। अब इसमें जो है ये डायग्राम तो बना के ही आना है एक डायग्राम, लेकिन अगर टाइम बचे तो एक और डायग्राम तुम बना सकते हो जिसके अंदर इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस दिख रही है। तो अगर यार तुम्हारी मेरी वीडियो से हेल्प हुई हो, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हों, और यूनिवर्सिटी के लिए भी अगर तुम्हें नोट्स मिले हों, तो तुम मेरे इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे के सारे इसमें जो है तुम्हें मैं डालने वाला हूँ लोअर लेन की वीडियो। उसके अलावा अगर इसके तुम्हें और HD नोट्स चाहिए हों तो तुम्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैं तुम्हें इसकी नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा।